नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अरोड़ा इंश्योरेंस गुरुजी YouTube चैनल के व्यवहार पर आपका वार्म वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में आपके साथ सेक्शन 80C व सेक्शन 1010D के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आपके साथ सेक्शन 80C व सेक्शन 1010D के क्या एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स हमारे LIC पॉलिसी होल्डर्स को मिलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को LIC पॉलिसी के बारे में ब्रीफ कर रहे होते हैं, तब आपके प्रोस्पेक्ट्स LIC पॉलिसी की मैच्योरिटी का कंपैरिजन अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बैंक की FD या बैंक की RD से करते हैं। दोस्तों, एक प्रोफेशनल एजेंट के रूप में आप उनको यह भी ब्रीफ करते हैं कि LIC पॉलिसी से मिलने वाले बेनिफिट्स टैक्स फ्री होंगे और सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स सेविंग का लाभ भी मिलेगा और पॉलिसी टर्म के दौरान बढ़ता हुआ इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा। आपके प्रोस्पेक्ट बावजूद इन सब तथ्यों को दरकिनार करते हुए मैच्योरिटी वैल्यू से ही कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक नया कॉन्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाले टोटल मॉनेटरी बेनिफिट्स, जिसके अंतर्गत हम आपको सेक्शन 80C व सेक्शन 1010D से मिलने वाले एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स की जानकारी देंगे। दोस्तों, आई अश्योर यू कि ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप LIC प्लान्स को काफी अच्छे तरीके से समझाने में सक्षम होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझ सकें। एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स की कैलकुलेशन सीखने से पहले आपको वर्तमान में इनकम टैक्स स्लैब्स व टैक्स रेट्स की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वर्तमान में इनकम टैक्स स्लैब्स व टैक्स रेट्स क्या हैं। दोस्तों, आप यह देख सकते हैं कि टैक्स रेट्स 5% से लेकर 30% तक अप्लाई होते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद हमारे पॉलिसी होल्डर अपने इनकम टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स सेविंग का बेनिफिट्स ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, यदि वह LIC पॉलिसी नहीं लेते तो उनकी टैक्स सेविंग भी नहीं होती। इसलिए जो टैक्स सेविंग से होने वाला मॉनेटरी बेनिफिट है, वह हमें कैलकुलेट करना ही होगा। लेट्स टेक वन एग्जांपल फॉर बेटर क्लैरिटी। फ्रेंड्स, मिस्टर ए जो 26 ईयर्स के हैं, वह जीवन लाभ पॉलिसी ले रहे हैं 15 लाख सम एश्योर्ड की फॉर 25 ईयर्स टर्म। आपको ये कैलकुलेट करना है कि उनको इस पॉलिसी के लेने के बाद सेक्शन 80C के अंतर्गत कितना एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स होगा। दोस्तों, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बेसिक प्रीमियम आएगा ₹67,239। दोस्तों, आइए देखते हैं व सीखते हैं कि सभी इनकम टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग सेक्शन 80C के एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या होंगे। लेकिन आपके प्रोस्पेक्ट जिस इनकम टैक्स स्लैब्स के अंतर्गत आते हैं, आप उनको उस स्लैब के अकॉर्डिंग ही समझाएंगे। फ्रेंड्स, इस टेबल के माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि वर्तमान में जितने भी इनकम टैक्स स्लैब्स अवेलेबल हैं, उसके अंतर्गत सेक्शन 80C से कितना मॉनेटरी बेनिफिट प्रतिवर्ष मिलेगा व टोटल टर्म में कितना एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेगा। फ्रेंड्स, एग्जांपल में हम ये मान लें कि मिस्टर ए यदि 15% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो जो उन्होंने प्रीमियम 67,239 पे किया, उसका 15% अर्थात ₹10,086 उनको प्रति वर्ष सेक्शन 80C से एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेगा। चूंकि टर्म 16 इयर्स की है, तो टोटल टर्म में हम देखते हैं कि उनको ₹1,61,376 का लाभ होगा सेक्शन 80C के अंतर्गत।
तो फ्रेंड्स आपको इसकी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि सेक्शन 80C के अंतर्गत हम अपने कस्टमर्स को कितना मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहे हैं। फ्रेंड्स दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोस्तों जो बेनिफिट LIC पॉलिसी के अंतर्गत दिए जा रहे हैं वह सेक्शन 1010D के अकॉर्डिंग टैक्स फ्री हैं। लेकिन अगर यही बेनिफिट्स बैंक के द्वारा दिए जाते तब उन बेनिफिट्स पर व्यक्ति जिस इनकम टैक्स स्लैब्स के अंतर्गत आते हैं उनको टैक्स पे करना होता। और फ्रेंड्स जब LIC पॉलिसी से पॉलिसी होल्डर जो टैक्स फ्री मैच्योरिटी ले रहे हैं और जितना टैक्स अपने इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग सेव कर रहे हैं वह अल्टीमेटली उनका गेन ही तो है, और अन्य शब्दों में यह गेन ही एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स है अंडर सेक्शन 1010D। दोस्तों एग्जांपल लेते हैं बेटर क्लैरिटी के लिए। फ्रेंड्स सेम एग्जांपल, मिस्टर ए जो 26 इयर्स के हैं जीवन लाभ प्लान ले रहे हैं फॉर 15 लाख सम एश्योर्ड फॉर टर्म 25 इयर्स। प्लीज कैलकुलेट एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 1010D। इस पॉलिसी के अंतर्गत अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी कैलकुलेट की जाएगी ₹40,50,000 और जो टोटल बेसिक प्रीमियम पे किया जाएगा वह है ₹10,75,824। और जो हमारे कस्टमर को नेट गेन होगा यदि हम मैच्योरिटी में से जो टोटल प्रीमियम उन्होंने पे किया उसको लेस कर दें तो हमारा नेट गेन कैलकुलेट हो जाएगा और वह होगा ₹29,74,176। LIC में यह नेट गेन टैक्स फ्री है और हमको यह सीखना है कि इस टैक्स फ्री मैच्योरिटी से इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग पॉलिसी होल्डर को टैक्स सेविंग का कितना गेन अर्थात एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट हुआ। यहाँ हम आपको सारे इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग समझाएंगे, लेकिन आप अपने प्रोस्पेक्ट को जो जिस इनकम टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं उनको उसके अकॉर्डिंग ही ब्रीफ करेंगे। दोस्तों इस टेबल के माध्यम से आप यह देख सकते हैं कि वर्तमान में जितने इनकम टैक्स स्लैब्स अवेलेबल हैं उसके अंतर्गत स्लैब वाइज कितना एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 1010D होता है। दोस्तों एग्जाम्पल में यदि ये मान लें कि मिस्टर ए 15% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो उनको एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 1010D जो होगा वह होगा ₹5,24,854। दोस्तों यदि आपको ये कैलकुलेशन समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो तो आप घबराइए मत, बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको सारे समाधान मिल जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज ए प्रोफेशनल एडवाइजर आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत जो टोटल मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। दोस्तों LIC पॉलिसी के टोटल मॉनेटरी बेनिफिट्स की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आप LIC पॉलिसी से जो नेट गेन होने वाला है उसमें सेक्शन 80C व सेक्शन 1010D से जो एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उनको ऐड करेंगे। दोस्तों अभी तक हम अपने क्लाइंट्स को सिर्फ अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी की जानकारी दिया करते थे व साथ में यह बताया करते थे कि आपको सेक्शन 80C व सेक्शन 1010D के बेनिफिट्स भी मिलेंगे, लेकिन कभी हमने एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स जो सेक्शन 80C व सेक्शन 1010D के अंतर्गत मिलते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं किया। इसलिए हमारे प्रोस्पेक्ट कंपैरिजन करते समय यह कहते हैं कि LIC पॉलिसी से रिटर्न कम आती है। दोस्तों अब से आप अपने क्लाइंट्स के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग टोटल मॉनेटरी बेनिफिट्स कॉन्सेप्ट को समझाएंगे ताकि वह समझ सकें कि LIC पॉलिसी से अच्छा कुछ नहीं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि टोटल मॉनेटरी बेनिफिट्स में हम क्या क्या ऐड करते हैं। सबसे पहले जो नेट गेन होने वाला है LIC पॉलिसी से उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और फ्रेंड्स
सेक्शन 80C व सेक्शन 1010D के अंतर्गत जो एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस टेबल के माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि वर्तमान में जो इनकम टैक्स के स्लैब्स अवेलेबल हैं उसमें स्लैब वाइज कितना टोटल मॉनेटरी बेनिफिट्स होता है LIC पॉलिसी से। और जो एग्जाम्पल हमने लिया था, यदि हम ये मान लें कि मिस्टर ए 15% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो उनको नेट गेन होता है इस पॉलिसी से ₹29,74,176 और सेक्शन 80C से पूरी टर्म में उनको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है ₹1,61,376 और अंडर सेक्शन 1010D उनको एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है ₹5,24,854। और फ्रेंड्स, इनको टोटल मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेगा LIC से ₹36,60,404। दोस्तों, यदि आप टोटल मॉनेटरी बेनिफिट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे समझा रहे हैं तो आप कह सकते हैं मिस्टर ए को कि आपका टोटल बेनिफिट मोर देन ₹36 लाख होगा इस पॉलिसी के माध्यम से। और फ्रेंड्स, हम देखते हैं हायर स्लैब में 30% में मॉनेटरी बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 1010D है मोर देन ₹12 लाख। और यदि हम देखें कि कस्टमर ने प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान लेस देन 11 लाख रुपीस प्रीमियम पे किया है तो आप ये कह सकते हैं कि जितना प्रीमियम पे नहीं किया उससे कहीं ज्यादा उनको एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल गया अंडर सेक्शन 1010D। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कस्टमर को अच्छे तरीके से ब्रीफ करना आना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है जिसके माध्यम से सारी कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। आपको सिर्फ बेसिक प्रीमियम, अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी और प्रीमियम पेइंग टर्म को ही फिल करना है। मान लेते हैं जो एग्जाम्पल अभी हमने लिया था उसमें बेसिक प्रीमियम था 67239 और अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी थी 40,50,000 और दोस्तों प्रीमियम पेइंग टर्म था 16 इयर्स। फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि सारी कैलकुलेशन अपने आप हो गई। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को टोटल मॉनेटरी बेनिफिट्स कॉन्सेप्ट के बेसिक समझा रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स फिल करने हैं, सारी कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगी। आपके प्रोस्पेक्ट इनकम टैक्स स्लैब के किस ब्रैकेट में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप विद इन सेकेंड उनको बता पाएंगे कि उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कितने टोटल मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको इस फॉर्मेट में सिर्फ 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, बेसिक प्रीमियम, अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी एंड प्रीमियम पेइंग टर्म और सारी कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस फॉर्मेट का लिंक दिया हुआ है। कई बार आपके प्रोस्पेक्ट आपको यह कह सकते हैं कि उनकी सेक्शन 80C के अंतर्गत जो मैक्सिमम लिमिट है वह पूरी हो चुकी है। दोस्तों, उस समय आप टोटल मॉनेटरी बेनिफिट्स में टैक्स फ्री मैच्योरिटी से होने वाले एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स को ही ऐड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट में हम यह देखते हैं कि जो व्यक्ति हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनको LIC पॉलिसी से अतुलनीय लाभ मिलते हैं। इसलिए आप हमेशा कॉन्फिडेंस रखें कि किसी बड़े क्लाइंट को आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से काफी इफेक्टिव तरीके से समझा सकते हैं। अंत में मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि LIC पॉलिसी में रिटर्न्स के साथ रिस्क कवर का जो कॉम्बिनेशन है उसका कंपैरिजन किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा तो लाइक करके मुझे मोटिवेट करें ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आज अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।